ये कहानी हेनरी चेरियर की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसे एक जेल में पहुंचा दिया जाता है जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। वो वहां से कई बार भागने की कोशिश करता है पर वो हर बार पकड़ा जाता था। हेनरी एक पेशेवर चोर था, कोई ऐसी तिजोरी नहीं थी जिसे वो खोल नहीं सकता था। वो ये काम अपने बॉस के लिए करता था और उसके बदले में उसका बॉस उसे पैसे देता था। इसी तरह वो एक दिन डायमंड की चोरी करता है और अपने बॉस के पास जाता है जहां बॉस के लोग एक आदमी को पीट रहे थे। वहां उसका बॉस हेनरी से कहता है कि अगर उसने उसको धोखा दिया तो उसका भी यही हाल होगा। हेनरी यहाँ अपने बॉस को चोरी का माल दे देता है और बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने लगता है। इसका नाम नीनेट था, वो एक डांसर थी। जब नीनेट आती है तब वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसने चोरी किया था और उसके साथ ही वो उसे कुछ डायमंड भी दे देता है, यानी कि उसने बॉस को पूरा माल नहीं दिया था। तभी वहाँ बॉस का एक आदमी आता है जो नीनेट के हाथ में वो नेकलेस देख लेता है। देखकर वो समझ जाता है कि हेनरी ने पूरा माल बॉस को नहीं दिया। अब ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। नीनेट पूरी जिंदगी हेनरी के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए वो हेनरी को घर खरीदने को बोलती है। हेनरी उससे कहता है कि मेरा काम चोरी करना है, मुझे 6 महीने का टाइम दो। तभी उनके कमरे में पुलिस आ जाती है और वो हेनरी को अरेस्ट कर लेते हैं। हेनरी पर मर्डर का आरोप लगाया जाता है। दरअसल जब वो अपने बॉस से मिलने गया था और वो जिस आदमी को मार रहे थे तो पुलिस को उसी आदमी की लाश मिली थी और एक आदमी ने ये गवाही दी है कि उसने हेनरी को वहां देखा था। इसलिए पुलिस को लगता है कि हेनरी ने ही उसे मारा है, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं पूरी रात नीनेट के साथ ही था, मैंने किसी को नहीं मारा। नीनेट बहुत चिल्लाती है और उन्हें बताती है कि हेनरी पूरी रात मेरे साथ ही था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और हेनरी को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में नीनेट उससे मिलने जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नीनेट कहती है कि तुम्हें अपील करनी चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि मेरी अपील पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। और वो ये भी जानता था कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो नीनेट से कहता है कि तुम मेरा इंतजार मत करना और मुझे भूल जाना। वहीं जेल में उसे जुलोट नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे लुइस नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो करोड़पति था और वो खुद को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे अपने पेट में छुपाकर घूम रहा था। अब उन सब कैदियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसके बाद उन्हें डेविड्स कॉलोनी नाम की एक जेल में भेज दिया जाता है जो कि फ्रांस के गुआना टापू पर थी। वो जेल बहुत सेफ थी और वहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। शिप पर हेनरी लुइस से मिलता है और वो उसे बताता है कि मैं इस जेल से भागने वाला हूं और मुझे पैसे चाहिए। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो बदले में मैं तुम्हें बाकी कैदियों से बचा कर रखूंगा और तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। दरअसल यहाँ पर कुछ कैदी अपने पेट में पैसा छुपाते थे, लेकिन दूसरे कैदी जो चोर थे वो उनको मार के उनके पेट को चीर कर उनसे पैसा निकाल लिया करते थे। लुइस ने भी अपने पेट में पैसे छुपाए हुए होते हैं और उस पर कई सारे कैदियों की नजर थी, लेकिन लुइस उसे यह कहकर टाल देता है कि तुमको पैसे देने से तो अच्छा है मैं गार्ड को पैसे दे दूं। लेकिन उस रात लुइस के पास जो कैदी सो रहा था उसका पेट काट दिया जाता है और उसके पैसे के साथ साथ उसकी जान भी चली जाती है। इस बात से लुइस डर जाता है। दरअसल जिन गार्ड्स की वो बात कर रहा था वो सब गार्ड्स उन चोरों से मिले हुए थे। अगली सुबह लुइस खुद हेनरी से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे आयरलैंड पहुंचने तक सेफ रखोगे। वो बताता है कि मेरा भागने का कोई इरादा भी नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ अपील पर काम कर रही है और मुझे भरोसा है कि मैं क्रिसमस तक घर पहुंच जाऊंगा। अब उनके बीच सौदा तय हो चुका था और इसी बहाने वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उसी रात वही आदमी लुइस पर भी हमला करने वाला था, लेकिन हेनरी उस आदमी को रोकता है और लुइस को बचा लेता है। अब वो शिप आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जुलोट खुद को जख्मी कर लेता है ताकि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और वो वहां से भाग सके, लेकिन उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता था कि इस जेल से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है और यहां से भाग पाना इतना भी आसान नहीं था। ये बात हेनरी भी अच्छी तरह से जानता था। जेल का वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो सभी कैदियों को बताता है कि कोई भी यहां से भागने का सोचना भी नहीं। अगर तुम जंगल की तरफ भागोगे तो भूख से मारे जाओगे और अगर समुद्र की तरफ भागोगे तो भूखी शार्क का नेवाला बन जाओगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 साल के लिए एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाएगा जहाँ वो कैदी बिल्कुल अकेला होगा और वो किसी से बात भी नहीं कर पाएगा। दूसरे अटेम्प्ट में वो उसे 5 सालों के लिए बंद कर देंगे और तीसरे अटेम्प्ट में उस कैदी को डेविड आइलैंड पर भेज दिया जाएगा उम्र कैद के लिए, और अगर कोई कैदी मर्डर करता है तो उसका सर काट दिया जाएगा। ये सब सुनकर हेनरी परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो भागने का प्लान बना रहा था। इसके बाद सबको उनके कामों पर लगा दिया जाता है जहाँ कैदियों को बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता था। यहाँ जेल में कई बार लुइस को मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन हर बार हेनरी उसे बचा लेता है। इसी बीच वो एक आदमी से मिलता है। वो कुछ पैसों के बदले में हेनरी को यहाँ से निकालने के लिए मान जाता है। वो नदी के उस पार रहता था। वो हेनरी को 3 दिन का टाइम देता है और फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब लुइस भी अपना फैसला बदल लेता है क्योंकि वो जानता था कि अगर लुइस इस जेल से भाग गया तो वो यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। हर दिन कोई ना कोई उस पर हमला करता रहता है। हालांकि उसकी वाइफ अपील के लिए लड़ रही थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
अब वो भी हैनरी के साथ भागने को तैयार हो जाता है। अगले दिन पता चलता है कि जूलियट ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की है और इसी चक्कर में उसने एक गार्ड को मार दिया है। जैसे कि वार्डन ने कहा था कि मर्डर करने वाले का सर काट दिया जाएगा, जूलियट के साथ भी वैसा ही होता है, उसका सर काट दिया जाता है। यहाँ वार्डन हैनरी और लुइस को उसकी बॉडी को उठाने का काम देता है, लेकिन जूलियट का खून देख कर लुइस घबरा जाता है और उसके हाथों से डेड बॉडी छूट जाती है। गार्ड उसको उठने के लिए कहता है लेकिन लुइस होश में नहीं था। तब गार्ड उसे मारने लगता है। ये देखकर हैनरी को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर से गार्ड पर हमला कर देता है और वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन दूसरे गार्ड्स को पता चल जाता है और वो हैनरी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हैनरी उनके हाथ नहीं आता। रात को हैनरी समुद्र के किनारे वो उस बोटमैन को मिलता है जिसके साथ उसकी डील हुई थी, लेकिन वो आदमी पहले ही पैसे मांगता है, लेकिन हैनरी के पास अभी पैसे नहीं थे। लेकिन हैनरी उस आदमी से वादा करता है कि एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाए तो उसके बाद उसे बहुत सारे पैसे दे देगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर उसे पैसे मिल भी जाते तो भी वो उसे यहाँ से भागने नहीं देता, क्योंकि वार्डन को बताने पर उसे डबल पैसे देता। और तभी हम वहाँ कुछ गार्ड्स को देखते हैं, मतलब कि उस बोटमैन ने पहले ही वार्डन को बता दिया था कि हैनरी यहाँ से भागने वाला है, इसलिए वहाँ पहले से ही गार्ड्स मौजूद थे। अगर उसने अब भागने की कोशिश की तब उसे गोली मार दी जाती। अब उसे पकड़कर दोबारा जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए उसे 2 सालों के लिए सोलिटरी रूम में डाल दिया जाता है। वो रूम बहुत छोटा था और उसे खाने के नाम पर सिर्फ पानी ही दिया जाता था, और वो भी दिन में सिर्फ एक बार, जिस वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगा था और उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी। एक दिन उसके खाने में एक कोकोनट आता है और साथ ही उसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि अब से हर रोज़ तुम्हें एक कोकोनट दिया जाएगा। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये काम लुइस ही कर रहा है। अब वो हर रोज़ कोकोनट खाता रहा और उसे ताकत मिलती रही, साथ ही वो खुद को फिट भी करता रहा। एक दिन जब उसे खाना दिया जा रहा था तब वहाँ एक गार्ड आ जाता है और चेक करने पर हैनरी के खाने में उसे एक नारियल मिलता है। वो ये बात तुरंत वार्डन को जाकर बताता है। वार्डन हैनरी के पास आकर उससे पूछता है कि तुमको वो नारियल कौन भिजवा रहा है, लेकिन हैनरी उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से वार्डन उसका खाना आधा कर देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हैनरी अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब एक बार वार्डन फिर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ अब उस आदमी का नाम बताओ जो तुम्हें नारियल भिजवाता था, लेकिन हैनरी अब भी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वार्डन उसके रूम में आ रही सारी रोशनी को बंद करवा देता है, जिससे वो एक काल कोठरी में बदल जाती है। अब यहाँ हैनरी का दम घुटने लगता है, जिस वजह से वो हेलोजिनेशन का शिकार हो जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ गार्ड्स हैनरी का हालचाल पूछने आते हैं तो उन्हें वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ हम लुइस को भी देखते हैं जो अब जेल में ना होके वार्डन के लिए काम कर रहा था। वो हॉस्पिटल में हैनरी से मिलने जाता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो। लुइस को लग रहा था कि हैनरी पागल हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था। अब वो दोनों फिर से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ और 2 कैदी भी शामिल थे। लुइस के पैसों की मदद से वो लोग एक बोट खरीदते हैं और संडे की रात को वो लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं। प्लान के मुताबिक लुइस ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाकर गार्ड्स को बेहोश कर देता है और गेट की चाबी ले लेता है। तभी वहां बारिश होने लगती है और लाइट चली जाती है, जिससे उन्हें एक और फायदा हो जाता है। अब वो चारों गेट खोलकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जंगल में उन्हें वो आदमी मिलता है जो उन्हें बोट देने वाला था। वो पैसा लेकर उन्हें एक बोट दे देता है। अब वो सभी बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं, लेकिन वो बोट टूटी हुई थी, जिससे उसमें पानी भरने लगता है। तभी समुद्र में तूफान आ जाता है और ये देखकर बोटमैन कहता है कि ये बोट डूब जाएगी अगर हमने इसका वजन कम ही नहीं किया तो। वो बोटमैन हैनरी से कहता है कि लुइस के पैर में चोट लगी है, वैसे भी वो भाग नहीं पाएगा। ये बोलकर वो लुइस को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन हैनरी उसे रोकता है। वो आदमी हैनरी को भी मार देता अगर बीच में लुइस ना आता तो। लुइस उस पर कई बार चाकू से वार करता है और उसे मार देता है, और वो उसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। अब वो तीनों तूफान में फंस चुके थे और उनकी बोट में पानी भर जाता है। वो लोग पानी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, इसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें होश आता है तब वो कोलंबिया में थे। हैनरी अपने साथियों के बारे में पूछता है, तब एक नन उसे बताती है कि वो ठीक हैं। तब हैनरी बहुत खुश हो जाता है, उन्हें लगता था कि वो लोग अब आज़ाद हैं, लेकिन जल्द ही उनका ये भ्रम दूर हो जाता है जब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, क्योंकि उस गांव के लोग जानते थे कि ये लोग क्रिमिनल हैं, इसलिए उन्होंने वार्डन को पहले ही उनके बारे में बता दिया था। जब हैनरी पुलिस की गाड़ी देखता है तो वो भागकर लुइस के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस उनके एक साथी को गोली मार देती है और हैनरी और लुइस को पकड़ लिया जाता है। अब हम 5 साल बाद हैनरी को देखते हैं, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। उसे दूसरे अटेम्प्ट के लिए 5 सालों तक सोलिटरी रूम में डालकर रखा गया था और अब उसे डेविल्स आइलैंड पर भेजा जा रहा था। वार्डन कहता है कि ज्यादातर कैदी 5 सालों में मर जाते हैं, तुम किसके लिए जी रहे थे? हैनरी यहाँ कुछ भी नहीं कहता। अब वो बहुत बदल चुका था और हमेशा चुप रहता था, और उसे लुइस की भी कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ।
अब उसे डेविड्स आइलैंड पर भेज दिया जाता है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। ये जेल कम और पागलखाना ज्यादा लग रहा था क्योंकि यहाँ के हर कैदियों की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और हेनरी को इस आइलैंड पर पूरी जिंदगी बितानी थी। तभी लुइस उसके पास आता है और वो बताता है कि वार्डन मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज था, इसलिए उसने मुझे 5 साल पहले ही यहाँ पर भेज दिया था। लुइस ने अब इस जगह को ही अपना घर समझ लिया था। हेनरी लुइस से पूछता है कि क्या हम यहाँ से भाग सकते हैं। तब लुइस कहता है कि यहाँ से भागना खुदकुशी करने जैसा होगा। हालांकि वहाँ की सिक्योरिटी ना के बराबर होती है, लेकिन वहाँ से भागना नामुमकिन था। लेकिन हेनरी अब भी भागने के बारे में ही सोच रहा था। वो समुद्र में एक नारियल फेंकता है और समुद्र की लहरें उसे आगे की तरफ ढकेलती हैं। ये देखकर उन्हें एक आइडिया आता है। वो एक बोरे में बहुत सारे नारियल भरते हैं। अगली सुबह वो लोग उस प्लान को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले लुइस कहता है कि मैं यहीं ठीक हूँ, अब यही मेरा घर है। अब मैं भागकर जाऊंगा भी कहाँ, मेरी बीवी ने मेरे वकील से शादी कर ली है, मेरे भागने का अब कोई मतलब नहीं बनता, मैं यहीं खुश हूँ। लेकिन वो हेनरी को भागने के लिए बोलता है। जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वो सिर्फ कैदी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी थे। अब वो लोग राफ्ट को पानी में फेंक देते हैं और फिर हेनरी पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद लुइस को उसकी आवाज आती है और वो अपने दोस्त को राफ्ट पर बैठा देख कर बहुत खुश हो जाता है। भले ही उसका दोस्त जेल से भाग रहा था, लेकिन आजादी जैसे लुइस को मिल रही थी। वो हेनरी को देखकर बहुत खुश होता है। अब हम हेनरी को 1969 में देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो गया था। अब वो वेनेजुएला में रहता था, लेकिन आज वो फ्रांस आया था और अभी भी वो फ्रांस में वांटेड था। यहाँ वो एक पब्लिशर से मिलने आया था। जेल में उसने जो कुछ भी सहा वो सब उसने एक डायरी में लिखकर रखा था और वो चाहता था कि उसकी डायरी पब्लिश की जाए। पब्लिशर उससे पूछता है कि क्या ये आपकी कहानी है। तब वो बताता है कि ये बहुत सारे कैदियों की कहानी है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि लगभग 80,000 कैदी उस जेल में कैद थे, लेकिन उनमें से बहुत ही कम फ्रांस पहुंचे। और 1970 में फ्रांस सरकार ने हेनरी पर लगाया वांटेड का टैग हटा दिया था और उन्हें फ्रांस आने के लिए कहा। एंड में हम हेनरी की कुछ रियल पिक्चर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।